Hi friends, welcome to my channel. Today in this video, me and my husband will share our experience with Sharpex push manual lawn mower. अब वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा आपको कैसे खरीदना है और क्या फायदे हैं इसके और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारे घर के सामने ये काफ़ी बड़ा लॉन है और क्या हुआ है कि ये जो रेनी सीजन है उस टाइम पे हम लोगों का प्रॉपर केयर नहीं हो पाते और बेसिकली यहाँ पे लोगों का अवेलेबिलिटी नहीं रहता ज़्यादा, तो इसीलिए ये कटिंग भी नहीं होता है और ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ग्रोथ हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 inches के कुछ कुछ ग्रास हो चुके हैं और इसीलिए इसको कट करने के लिए हमें मशीन की ज़रूरत पड़ा है। यहाँ पर फुल जंगल बन चुका है। एक्चुअली इस बहुत डेंजरस, रेनी सीज़न में तो बहुत डेंजरस होता है, रेनी सीज़न हो या कोई भी सीज़न में हो। एक्चुअली इतने बड़े बड़े ग्रास के अंदर स्नैक्स या कुछ कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, तो हमें बहुत डर लगता है यहाँ पे वॉक करने के लिए, तो इसीलिए लॉन मोवर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लिए। सो गाइज, इस लॉन मोवर को ख़रीदने के लिए हमने काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम इस लॉन मोवर को ख़रीदेंगे। सो वी बुक्ड ऑन अमेजोन। 4 days के अंदर डिलीवरी हो गया था हमें और इसके जो पैकेजिंग थे वो टॉप क्लास थे, एकदम जैसे प्रोडक्ट को प्रॉपर पूरा बारीकी से एकदम पैक किया गया है, वो इस तरह से था, कहीं भी वो हीट ना हो कुछ ना हो, तो आराम से आके वो प्रोडक्ट पहुँच गया था हमारे पास। और उसको DIY करना था, मतलब हमें असेंबली वाज वेरी इजी। असेंबली हमें 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट मैक्सिमम लगे उसको बनाने के लिए, असेंबली करने के लिए, इट वाज रेडी। हमारे यहाँ पे ग्रासेस बहुत टाइप के थे और हम भी थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि काफ़ी सारे रिव्यूज जो हमने देखा वो कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा था कि इस तरह के ग्रास को काट पाएगा या नहीं कट कर पाएगा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे ऑर्डर करने से पहले। फिर भी हमने सोचा कि चलो देख लेते हैं, ऑर्डर कर लिया। और ये जो हमने अभी कटिंग करके एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये तो हम ये बता सकते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट मैनुअल लॉन मावर है आज के डेट का, और इसको तो अनडाउटेडली अगर आप कटिंग के मामले में अगर आप खरीदना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो, आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रासेस है और सारे टाइप के ग्रासेस कट हो पा रहे हैं। और इवन आपको जैसे मैंने पहले वाले सीन में दिखाया था कि यहाँ पे हमारे 6 inches तक भी ग्रासेस हो गए थे, तो इट वाज रियली डिफिकल्ट टू कट और ये काफ़ी आराम से उसको काट लिया। हम इससे भी और छोटा कट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट है, तो हम इतना ही साइज का ग्रास रखना चाहते हैं तो इसलिए हम इतने में ही काट रहे हैं। अभी भी यहाँ पे ट्राई करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रास है तो देखते हैं कि ये कट होता है कि नहीं। हो रहा है? अरे वाह, ये तो हो रहा है, तो मतलब इतने में तो हो सकता है और अच्छा ही कट हो रहा है। वाह, यहाँ पे ग्रास बहुत बड़े है, कट होता है कि नहीं। खाली इसमें ये दिक्कत नहीं है, ये है कि ग्रास के अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए, ना स्टोन ना लकड़ी ना कुछ, अगर वो सब कुछ रहा तो वो अटक जाएगा और अटक गया तो तुरंत वहाँ से निकाल देना है, अगर आप प्रेशर दोगे तो ख़राब हो जाएगा मशीन। देखिए यहाँ पे लेवल
और यहाँ पे थोड़ा सा बाकी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं वो साइड का। यहीं पे खड़ी रहती हूँ। गाइस इतना सा कट हुआ है और आप देख सकते हो डिफरेंस, कि मैं आपको अच्छे से डिफरेंस दिखाती हूँ। सो ये है वहाँ का कट और ये जो पहले था। कट हो जाने के बाद का कुछ फाइनल व्यू इस तरह का है। आप देख सकते हैं पहले कैसे दिखता था और अभी ट्रिम हो जाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम व्हाट वी हैव फेस्ड विद दिस सरफेस लॉन मोवर। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमारे ये जो नट 1 और 2 वो दो नट घूम चुके हैं, पता नहीं कहाँ पे, यहीं कहीं पे घूम चुका है। तो द प्रॉब्लम इज जब हम इस लॉन मोवर को यूज़ कर रहे थे, इसमें जितना प्रेशर पड़ रहा था तो इसके जो नट है वो खुल जा रहे थे, लूज हो जा रहे थे और कहीं पे घूम जा रहे थे। इनिशियली हमें लगा कि मे बी इट वॉज अवर फॉल्ट, तो हम नेक्स्ट टाइम वापस भी यूज़ किए तो तब भी ये इशू हो रहा था। यही एक बस छोटा प्रॉब्लम के अलावा और कुछ भी प्रॉब्लम हमें तो नोटिस नहीं हुआ है और प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप लॉन को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं तो जस्ट गो फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाई दिस मोवर देन प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक टू द प्रोडक्ट लिंक। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।